हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. अभी रात का टाइम है, मतलब रात ही हो चुकी है, 8 बज चुके हैं. और आज विश्वकर्मा पूजा, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा. आप सभी को जा रही हूँ आज मैं अपने गाड़ी की सफाई करने, धुलाई करने. आप लोग बोलोगे रात में कर रहे हो, दिन भर का आते. तो फ्रेंड्स, सुबह से लेके पूरे फुल डे मेरा बिजी ही रहता है. बच्चों को स्कूल, घर के काम, ये सब तो नहीं टाइम मिला. अभी टाइम मिला, हस्बैंड भी आ गए और ये आती हूँ. प्रसाद फूल जा रही हूँ पहले गाड़ी की पहले गाड़ी को धोऊंगी, पूजा करूंगी. चलो बच्चों. लाइट है हमारी एक्टिवा धन्नो रानी, चमक जाएगी. तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि आज विश्वकर्मा पूजा है. ऐसे पूजा तो खैर सुबह करनी चाहिए, लेकिन सुबह मैं नहीं कर पाई थी. सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है, बच्चों को स्कूल जाना होता, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता, तो घर में सब लंच वगैरह बनाना, घर के काम करने, और पूजा करने के बाद गाड़ियां चलाई नहीं जाती, इसलिए मैंने रात में पूजा की है. ये भी आ गए टाइम से, तो दोनों गाड़ी में धो दी, एक्टिवा भी धो रही, वो भी है. विश्वकर्मा पूजा है, आप लोगों को पता ही होगा पूरे विश्व में का जो काम होता है ना, विश्वकर्मा भगवान उनका नाम है. तो ऐसा भी नहीं लग रहा, देखो मेरे हस्बैंड वीडियो ले रहे हैं, मैं गाड़ी को धो रही हूँ, उनकी भी बाइक धो रही, अपनी भी धो रही हूँ. तो हमारे घर में ऐसा ही उल्टा है, हम लेडीज ही करते हैं, जेंट्स देखते रहते हैं. खुद की गाड़ी वो कभी नहीं धोते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी आई है, मैं तो धो रही हूँ. और विश्वकर्मा भगवान के दिन, विश्वकर्मा पूजा के दिन मैं पूजा भी कर रही हूँ और करूँगी, हर बार करूँगी. ऐसे तो घर पे करती थी, टीवी फ्रिज वगैरह ऐसा, पर मेरे पास गाड़ी नहीं था, तो इस बार गाड़ी है. उस बार गाड़ी तो पिछले साल ही आया, लेकिन दिवाली के टाइम पे तो चमका दी. लेकिन एक चीज़ भूल गई मैं, अपने बेटे की साइकिल भूल गई धोने के लिए. पूजा करके जब ऊपर आ गई घर पे तब याद आया, यहाँ पूजा का सामान है, दिया बत्ती सब कुछ मैं लेके आई थी, फ्लावर वगैरह मिठाई ये गए लेके आए थे. तो अभी मैं गाड़ी को, माला तो एक ही है, मैं तो गाड़ी चलाऊंगी. देखो परफेक्ट, यहाँ से लेना, देखो ऐसे परफेक्ट दिख रहा है. तो आज मैं अपने एक्टिवा की पूजा सेकेंड टाइम कर रही हूँ. जब मेरी गाड़ी आई थी तब भी पूजा किया था मैंने, धनतेरस का दिन था, ऐसे मंदिर में पूजा करवा के आई थी. लेकिन शाम के टाइम पे धनतेरस का दिन था, इसलिए शाम को पूजा किया था मैंने, और अपनी बेटी से भी करवाया था. और आज विश्वकर्मा पूजा है तो आज कर रही हूँ. मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती थी अपनी गाड़ी की पूजा कर लिया करो, विश्वकर्मा पूजा के दिन कर लिया कीजिए, लेकिन यहाँ नहीं होता है. होता है हमारे बिहार पटना में, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे भगवान तो पूरे विश्व के हैं, लेकिन होता है ना कई कई जगह पर मनाए जाते हैं, यहाँ के लोग तो जानते भी नहीं हैं, जानते होंगे मनाते भी नहीं हैं. हमारे यहाँ तो उधर कारखाना कंपनी, जो भी लोहे का दुकान हो गया, फिर जैसे गैरेज वगैरह हो गए, सारी ये जो दुकानें हैं ना यहाँ पे सजी जाती है, डेकोरेशन किया जाता है, विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बिठाते हैं, पूजा करते हैं. और जितने भी ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, जितने भी गाड़ियां हैं, ट्रक वगैरह, सबको धो धा के अच्छे से पूजा करके, माला पहना के, सजा के पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं. तो भाई मैं जैसा मैं करती हूँ, करते आई हूँ, अब यहाँ आने के बाद मैं अपना नियम बदल नहीं सकती हूँ. अब यहाँ के लोग नहीं करते हैं तो ये लोग नहीं जानते हैं, इनकी मर्जी, लेकिन मैं करती हूँ. देखने वाले मुझे सब देख भी रहे थे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन आधा अच्छा लो, तीन महीना हुआ. अरे मैं दे रही हूँ ना, ऐसे हाथ करो. इसको पता क्या लगी है, इक्का ही लगता ही नहीं पड़ा. अभी घर पे भी करना है, हमारी पूजा हो गई एक्टिवा की. अब नीचे से पूजा पाठ हो गया कंप्लीट, ऊपर आई हूँ. तो सबसे पहले मैं ऊपर घर पे अपने मशीन की पूजा कर रही हूँ. मशीन का फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मशीन को भी लिए अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुए हैं.
तो ये भी मशीन, जितने भी मैंने बोला ना, जितने भी मशीनरी चीज़ें होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होता है, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल जितने होता है सबकी पूजा करते हैं। तो मशीन का भी कर रही हूँ पूजा, फिर अभी टीवी का, फ्रिज का, सबका करूँगी। अच्छा बना रहे हो, प्रसाद दे रहे हो। ए डैडी बिया को सही किया। टिका टू टिका टे टिका टू टिका टे डैडी सही। जय जय मंगल मूर्ति, जय कन्हैया लाल की जय। कन्हैया लाल बोलो मेरे राम, लक्ष्मी जय माता जी, लक्ष्मी जय माता जी। और एसी का पूजा मैं इनसे करवा रही हूँ, क्योंकि मैं एसी साफ भी नहीं कर पाई थी, उतनी ऊपर में पहुँच नहीं पा रही थी, टेबल टूट गया है, तो चेयर पे खड़े होके किसी तरह साफ कर लिए। और मैंने कहा साफ किए तो पूजा भी आप ही कर लो। पूजा कर लिया फ्रेंड्स, सब अच्छे से हो गया। देखो 9 बज रहे हैं, 9 बज के दस मिनट। और एक चीज़ मैं भूल गई, अपने बेटे का साइकिल धोना भूल गई और पूजा करना भी भूल गई। अब इतना लेट हो रहा, खाना बनाऊँ कि जाऊँ, इसलिए छोड़ दिया, चलो अगले साल करूँगी। सफाई तो होते रहती, पूजा नहीं कर पाई, तो चलती हूँ अब फ्रेंड्स। खाना बनाने बहुत हो गया है लेट, बच्चों को भी पढ़ाना है, होमवर्क करवाना होता है, और इतना लेट हो गया। अभी तो बनाऊँगी, फिर कब खाएंगे, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्या क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, टीवी क्यों ऑन किया हो? इतना बड़ा बच्चा है, अपनी बहन को हमेशा सताता है, उसका नोटबुक लाके पता नहीं कहाँ छिपा रहा है, बैग में और ढूंढेगी, वो पढ़ाई कर रही है, वो देखो वहाँ पढ़ाई कर रही है। तो चलो, अब बहुत लॉन्ग वीडियो होता है, बहुत वीडियो में एडिट कर रही हूँ, कर करके भी थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता। मेन इशू जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम, इसीलिए बस छोटा ही होगा, जो होगा 4 से 5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो, इतना ही बस। फिर जब मुझे अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो फिर बनाऊँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और जो भी नए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मशीन का भी पूजा कर लिया, फ्रिज का भी पूजा कर लिया, या इसका भी पूजा कर लिया, इंडक्शन का और मिक्सर का, और ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, आपको लगेगा कितना कचरा करके रखा है मैंने, बट ये सारी चीज़ें ना मेरे फ्रिज के अंदर की है, क्योंकि फ्रिज की सफाई किया था तो मैंने ना। अब देखो प्रसाद रखा है, पानी भी नहीं रखा था, कुछ नहीं, अंदर से साफ किया, ऊपर से बाहर से, ये ऊपर का ये नहीं हटाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। ये सामान है, ये सब उसमें रखूँगी, स्लैब खाली हो जाएगा, तो मिलते हैं आप लोग उसमें, पता नहीं कब, देखती हूँ जब बनाऊँगी तो। ठीक है, बाय बाय।